वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। स्कॉलरशिप सेक्शन से एक नोटिस जो है जारी की गई है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर गाइस, ये 26 अगस्त को ही जारी की गई है। इस नोटिस में कहा गया है कि जितने भी एनएसपी के स्टूडेंट हैं, मतलब नेशनल स्कॉलरशिप लेने वाले स्टूडेंट हैं, जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं और जो एनएसपी मतलब नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के थ्रू स्कॉलरशिप पहले से ले रहे हैं, इसके लिए रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जो फ्रेशर है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसके रिगार्डिंग जो नोटिस है वो आ चुकी है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट फ्रेश एंड रिन्यूअल स्कॉलरशिप फॉर्म ऑन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल इज ओपन फॉर एकेडमिक ईयर 2022-23। ओके, तो 2022 और 23 के लिए ये फॉर्म जो है रिलीज कर दिया गया है, आप लोग भर सकते हो। जो भी स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है वो अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ऑल द एलिजिबल स्टूडेंट आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई ऑन द एनएसपी पोर्टल एंड सबमिट द स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद रिक्विजिट डॉक्यूमेंट ड्यूली फॉरवर्डेड बाय द कंसर्न्ड एचओडीज एट स्कॉलरशिप सेक्शन बिफोर द लास्ट डेट। ओके, यहाँ पे कहा गया है कि आप लोगों को जो है जितने भी एलिजिबल स्टूडेंट हैं, हालांकि एनएसपी के लिए सभी एलिजिबल होते हैं, सभी कैटेगरी के स्टूडेंट जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो आप लोग जो है एलिजिबल हो, जो भी फ्रेशर स्टूडेंट इसको देख रहे हैं, ओके, तो आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हो। तो यहाँ पे कहा गया है कि आप लोगों को जो है इसका फॉर्म भरना है। देखिए, इसमें कहा गया है कि आप लोग पहले एनएसपी का फॉर्म भरेंगे, ओके, उसका प्रिंट आउट लेंगे, उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट है वो अटैच करेंगे। उसके बाद आप लोगों का जो कंसर्न्ड एचओडी है उसमें आप लोग जो है उनके पास आप लोग जो है जाओगे और उनसे जो है साइन कराओगे उसमें। ओके, आप लोगों का जो स्कॉलरशिप का प्रिंट आउट है उसमें आप लोगों को साइन कराना होगा। उसके बाद आप लोगों को जो है उसे स्कॉलरशिप सेक्शन में जमा करना है। तो ये आप लोगों को करना है लास्ट डेट से पहले। ओके, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे आप लोगों को जो है इस वेबसाइट के थ्रू आप लोगों को इस स्कॉलरशिप को भरना है, तो आप लोग जो है भर सकते हो। इसके बाद दोस्तों इसके साथ ही एक एनेक्सचर वन भी यहाँ पे अटैच किया गया है, जिसमें इंपॉर्टेंट डेट्स जो है मेंशन किए गए हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे नीचे देख सकते हो, इसका लिंक हालांकि मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे रखा है, तो आप लोग इत्मीनान से इसे देख सकते हो कौन कौन सा डेट, कौन कौन से कोर्सेज के लिए और कौन कौन से स्टेट के लिए ये जो स्कॉलरशिप है, कब से कब तक इसका लास्ट डेट रहने वाला है, कब से कब तक आप लोगों को इसे जमा करना है। तो सारे स्टेट का मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे दिया गया है, आप लोग जो है चेक कर सकते हो। ओके, सो इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अगर आपको नहीं पता है कि कैसे आप लोगों को इस फॉर्म को भरना है, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसका ट्यूटोरियल बना के बता दूंगा किस प्रकार से आप लोगों को इसको भरना है। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।